रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शर्मनाक गर्ल्स हॉस्टल की ये खबर सुनकर चौंक जाएंगे आप। 44 में से 3 नाबालिग हुई गर्भवती, देश में रेप के लिए सजा तो बन गई परंतु आए दिन वारदात रुकने का नाम नहीं लेते। मासूमों के साथ ये अत्याचार तो आम हो गए हैं और जब ऐसे में बड़े बड़े लोग शामिल हों तो कुछ हो भी नहीं सकता। लड़कियों को नेता और बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप शर्म करेंगे। जी हां, ये घटना काफी संगीन और शर्मनाक है। सरकार द्वारा संचालित एक बालिका गृह यानी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ फिजिकल शोषण का खुलासा हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसने एक ऑडिट रिपोर्ट जारी किया जिसके अनुसार हॉस्टल की लड़कियों को नेता और बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है जहां उनका उनके साथ फिजिकल शोषण होता है। 44 लड़कियों में 3 गर्भवती पाई गई। अब जांच के बाद हॉस्टल की 44 लड़कियों में 3 गर्भवती पाई गई हैं और ये लड़कियां नाबालिग हैं जिनकी उम्र 6 से 13 साल है। प्रशासन की नंद इस खबर के बाद उड़ी हुई है और गर्ल्स हॉस्टल का संचालन करता फरार है। इस खबर के बाद पुलिस ने शिकायती आवेदन के बिना पर कई धाराओं के तहत, जिसमें धारा 376 और 122B के साथ साथ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। कैसे होगा रेप और शोषण खत्म, भारत में कमेंट में बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।